यू सो कल की देखकर आ रहे हो कल की द बेस्ट मूवी कभी आई नहीं सकते ऐसी मूवी ना वी वांट अ सेकंड पार्ट आल्सो हां से ना अमिताभ जी स्टार कास्ट के एनी वर्ड फॉर दैट मतलब माइंड ब्लोइंग लुक माय इट वाज सो गुड थैंक यू बस थैंक यू इट वाज ऑसम रियली थैंक यू ओनली थैंक यू थैंक्स टू डायरेक्टर थैंक्स टू ऑल सभी को आना चाहिए इस मूवी के लिए शायद मैं कुछ प्रमोशन करूंगी इसका Highly recommended. Highly recommended. It was amazing. It was a blast. Really, don't have any. Thank you so gadgad. बहुत अच्छा ही, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है. Excited for next part. बहुत ज़्यादा. Thank you so much. Excited for next part of Kalki. Yeah. Definitely very very nice movie. Looking forward to next part. Yeah, same here. Thank you जी. अच्छी थी बहुत अच्छी थी. हाँ जी सबको आना चाहिए एक बार कहानी अच्छी लगी कहानी अच्छी है प्रिया कल की देख कर आए बहुत अच्छी है बहुत अच्छी ये अच्छा था हाँ जी बहुत अच्छी है किरदार अच्छे लगे बहुत अच्छे सब सही थे थैंक यू सो मच सब सही था जी क्या वेरी नाइस मूवी विल बी वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट प्रभास एंड अमिताभ जी अमिताभ परफॉर्मेंस इज लाइक टू गुड प्रभास इज आल्सो गुड वेटिंग फॉर पार्ट टू फर्स्ट मतलब इंटरवल से पहले का बहुत स्लो था उसके बाद थोड़ा ठीक था बहुत अच्छी मूवी थी अनएक्सपेक्टेड और पार्ट टू के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड कल की कौन होने वाला है आई थिंक मैं ऋतिक रोशन को प्रेफर करूँगा अगर वो हो तो बहुत बहुत अच्छी मूवी थी माइंड बॉगलिंग बहुत अच्छी एंड आई थिंक द मेन आई थिंक हीरो इज अमिताभ बच्चन या ही स्टोल द शो एंड या बेस्ट बेस्ट मूवी एवर जस्ट गूज बम्स वेरी एक्साइटेड बिल्कुल बिल्कुल कल की एक पुरानी फिल्म पे आधारित है और वो उसका पुराना बेस को नवयुग में जो नया ट्रेंड है उसमें दिखाया गया है कि जो पुरानी सबको देखना चाहिए पर एक्चुअली में समझ में बहुत लेट आती है और आती जरूर है क्योंकि जिसने महाभारत देखा है जो पुरानी युगों पे आधारित है उसके लिए इंटरव्यू थैंक यू सो मच कल की ठीक थी मूवी बहुत बहुत बड़ी थी थैंक यू सो मच अच्छी थी गुड मूवी थी जुड़े रहे मतलब हाफ से बात तो ज़्यादा बेटर था हाँ बिल्कुल अच्छी मूवी अच्छी मूवी थी हाँ जी हाँ अच्छा रहे ठीक थैंक यू सो मच थैंक अच्छी रही सर प्लीज बताइए कुछ हाँ नाइस सो नाइस जी सारे कास्ट या श्योर थैंक यू सो मच कल की के लिए हाउ इज इट 5/5 एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट पार्ट यस कोर्स थैंक यू सो मच आर यू एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट पार्ट फॉर कल की यस श्योर थैंक यू सो कल की है बढ़िया जी बढ़िया हाँ जी हाँ जी बढ़िया एंजॉय बढ़िया थी मूवी हाँ जी हाँ जी थैंक यू जी थैंक यू सो मच हाँ जी बहुत अच्छी कह दीजिए अच्छा लगा आपको शुक्रिया बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा सीखा बहुत बढ़िया मूवी सीखी थैंक यू सो मच सो ऑडियंस ऑल हाउसेस फुल ने हाउस एक्सपीरियंस बहुत सोहनी मूवी सी लोगों ने देखने आनी देख आनी चाहिए जी हाँ जी थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद तुम बोलिया कि लग्या बहुत सोहनी मूवी बहुत घैंट पूरी घैंट जी सिरा उपर थैंक यू सो मच पैसा शुक्रिया जी शुक्रिया से समथिंग फॉर मूवी इस बार वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉमेडियन मूवी वेरी वेरी नाइस मूवी थैंक यू सो मच हाँ जी हाँ जी हाँ जी इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वॉचिंग द मूवी इट वॉज ग्रेट बहुत बढ़िया फिल्म आई 100 नंबर आई बहुत बढ़िया सी बहुत बढ़िया कैन नाल बहुत बढ़िया हो गया हां जी बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया लगा थाने थैंक यू जी सो खल्की ऑल हाउस इज फुल ने हाउ इज योर एक्सपीरियंस नाइस प्रिय थिएटर्स में हाउ इज इट हाउ इज इट इट वाज अमेजिंग मैं कि आप यस यस लोग हाउ इज इट फैंटास्टिक फैंटास्टिक ओ माय गॉड इट वाज द मस्ट वॉच मूवी मस्ट वॉच यार आपकी स्माइल देख के पूरा मुझे लग रहा है कि पूरा एंजॉय करके देख के आए हैं कल की बताइए सर किस तरह से रही बहुत अच्छी थी बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था वैसे तो हमें पता है कि ये मतलब क्या है उसका बट बहुत अल्टीमेट अच्छा जब इस तरह से हमारी संस्कृति को दिखाया गया बहुत ज़बरदस्त लगता है एक्चुअली बहुत जो उनका जो लास्ट का सीन था ना कि मतलब जब प्रभास करण बन के आता है वो एकदम सुपर था रोंगटे खड़े कर देना लगता है सभी को आना चाहिए इस मूवी को हाँ हाँ जरूर डेफिनेटली प्रभास की परफॉर्मेंस के लिए क्या कहूँ प्रभास की परफॉर्मेंस ऑलवेज ऑसम अश्वत्थामा की एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा मतलब कि अमिताभ बच्चन एकदम 8 फुट के बंदे और
मैं सबको अमिताभ जी और प्रभास की जो टक्कर वो देखने वाली थी वो सबसे पहले तो सबसे खतरनाक टक्कर अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन की थी जैसे कि प्रभास एकदम वो होता है ना उनका विजुअल टाइप में वो बहुत ज़बरदस्त था। और जो लास्ट का सीन जब वो बोलता है कि उसको कि आचार्य देर तो नहीं हुई वो भी बहुत अल्टीमेट था, मतलब सब कुछ अल्टीमेट था। एंड वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट आल्सो। आचार्य देर तो नहीं हुई, आचार्य पुत्र सॉरी। थैंक्स। बोला सभी को कहेंगे देखने के। हाँ हाँ डेफिनेटली गो फॉर इट। उसी कल की देख के आए हो मैम? किवेरिया हाउस इट? अच्छी सी। अच्छा बिल्डअप किया, प्लॉट अच्छा रहा? हाँ बहुत अच्छा। हाँ से नाम है ताकी अमिताभ। आई एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट पार्ट? या ऑफ कोर्स। सो मच। सो कल की देख कर आए आप? कल की मूवी बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा। थैंक यू। प्लीज से समथिंग। हाउ स्टोरी लाइन अदर थिंग्स? इट्स क्वाइट गुड। हाउ द इफेक्ट्स? Effects are good. Yeah, it's kind of a, you know, these days, आजकल जो चल ही रहा है। Characters अच्छे लगे अमिताभ जी and So like I have never seen that movie before, like you know mythology. So like facts are in, like I think that it's real. So yeah. आपका तजुर्बा क्या कहता है? बहुत अच्छी movie है, मतलब future दिखा रही है जो आगे आने वाला है दुनिया में। तब तक हम तो नहीं रहेंगे, पर जो आगे न्यू जनरेशन है उनके लिए बड़ी टफ है लाइफ। तो लगता है कि इस तरह की मूवीज बननी चाहिए ताकि बच्चों को समझाया। बिल्कुल बननी चाहिए। देखते कहाँ हैं बच्चे आजकल? जी जी। तो साइंस और फिक्शन को जिस तरह से जोड़ा गया है, बिल्कुल बिल्कुल चीज अच्छी लगी। हाँ बहुत अच्छी। यस यस टोटली। आई एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट पार्ट? यस यस वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, कॉमेडी थी, इमोशनल थी, ड्रामा था, बहुत बढ़िया पिक्चर। एंजॉय किया तब से मैम? थैंक यू सो मच। थैंक यू हां जी। थैंक यू। बहुत अच्छी फिल्म, बहुत बेहतरीन। थैंक यू कैसा फील हो गया? जी बिल्कुल राइट। थैंक यू जी के मेरे एक्सपीरियंस बहुत नाइस चंगा लगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया सी फैमिली सेटअप हो गए सारे। बहुत बढ़िया। सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट करता है लोग ऑडियंस के। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुपर हिट करता ऑडियंस से जदों कहता था सब लोग सब कुछ। हां जी बढ़िया पिक्चर है जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। बढ़िया सी। थैंक यू। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? हाउ इज मूवी? हाँ जी चंगा लगा तुम देख के? बहुत बढ़िया जी। एंजॉय करके जा रहे हैं? फुल एंजॉय जी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय। सिरा ओके रिपोर्ट। बहुत मजा आया। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया था। सुंदर सोनी सी फिल्म, बहुत बढ़िया।